हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक्स। सो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं जी शिपिंग कंपनी। यहाँ पर जो है मार्केट में क्वार्टरली 2 रिजल्ट आ चुके हैं। सो इस रिजल्ट्स के चलते आपको इस शेयर के अंदर क्या मोमेंटम देखने को मिल सकता है, लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए इस कंपनी के लिए, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। सो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, जो 4.5 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर जो है कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और उसके साथ साथ में यहाँ पर जो कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टरली बेसिस पर 15% बढ़कर हो चुके हैं 885 करोड़ रुपीज़, एज वेल एज यहाँ पर कंपनी ने पिछले क्वार्टर में सिर्फ 12 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। अगर उसके मुकाबले अगर हम इस क्वार्टर की बात करें 223 करोड़ का यहाँ पर जो है कंपनी ने एक अच्छा सा प्रॉफिट जनरेट किया है। तो एक अच्छा सा गैप अप ओपन यहाँ पर जो है हमें मंडे सेशन को इजीली देखने को मिल सकता है। रेवेन्यू की बात करूँ दैट इज़ ऑन एन ईयरली बेसिस तो वो 14% जो है बढ़कर हो चुका है 885 करोड़ रुपीज़। ऐसे जो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स है ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से वो यहाँ पर सिर्फ 0.8% जो है गिरकर हो चुके हैं 223 करोड़ रुपीज़। सो ओवरऑल बेसिस पर भी देखने जाए तो कंपनी के जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छे और काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट वाले देखने को मिले हैं। मार्केट कैप की बात करो तो 4,653.69 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, और डिविडेंड यील्ड निकल कर आता है डेट इज़ 2.84% का एक अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड भी देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपीज़ और बीटा इसका 0.64, जो कि आपको बताते हैं कि अगर इंडेक्सेस के अंदर अगर आपको 1% का मोमेंटम देखने को मिलता है तो इस शेयर के अंदर भी आपको ऑन एन एवरेज बेसिस पर 0.64% का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। करंटली यहाँ पर जो इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग देखने को मिल रहा है वो 8.5, अगर उसके मुकाबले भी अगर हम इस शेयर को कंपेयर करते हैं अभी तो 7.01 के एक अट्रैक्टिव प्राइस टू अर्निंग पे शेयर जो है देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक के हिसाब से भी देखिए तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है और बहुत ही बेहतरीन प्राइस पे मिल रहा है, 0.76 का प्राइस टू बुक है, और बुक वैल्यू निकल कर आती है इस शेयर की 414.92 रुपीज़ की जो बुक वैल्यू यहाँ पर हमें एक रॉबस्ट बुक वैल्यू देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल ट्रेंड के हिसाब से कंपैरिजन कर 2018, 2019, 2020 के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी की जो रेवेन्यू उसमें थोड़ा बहुत डाउनफॉल यहाँ पर हमें जरूर देखने मिला, बट कंपनी जो भी प्रॉफिटेबिलिटी है ऑलमोस्ट 3 से 4 टाइम्स यहाँ पर जो है बढ़कर यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो फाइनेंशियल ट्रेंड भी इस कंपनी का काफ़ी अच्छा, और अभी जो कंपनी का रिजल्ट है प्रॉफिटेबिलिटी है ये वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। फायर हाई प्राइस आप देख सकते हो इस शेयर का 485 रुपीज़, और नियरली अभी भी इसने एक बहुत ही अच्छा जो है अप ट्रेंड बनाया था, बट उसके बाद आप देख सकते हो करेंटली अगर मैं आज की बात करूँ तो 321.95 रुपीज़ पे इसने क्लोजिंग जरूर दी है 1.67% की तेजी के साथ में, बट फिर भी एक अच्छा सा जो है मोमेंटम यहाँ पर हमें शेयर के अंदर और पॉजिटिव सेंटीमेंट जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है मंडे सेशन के अंदर। सो होप करते हैं हमको ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड यानी कि जी शिपिंग कंपनी के यहाँ पर जो मार्केट में जो क्वार्टरली 2 रिजल्ट आए हैं वो आपको अच्छे से पता चल गए होंगे, और उसके ऊपर आपको अपना क्या डिसीजन लेना है, क्या व्यू पॉइंट बनाना है वो भी आपको पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।